कांग्रेस पान अमृत विचार देख रहे हैं आप। विपक्ष जो है वो लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है। इसी कड़ी में तमाम जो समस्याएं हैं प्रदेश की, चाहे वो घोटाले हो, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर के हो, इसको इन मुद्दों को तमाम विपक्ष उठा रहा है। इसी कड़ी में बरेली जिला कांग्रेस कमेटी के जो स्थानीय नेता है और जो कार्यकर्ता है वो जिलाधिकारी से मुलाकात करने उनको ज्ञापन देने आए हैं। क्या उनकी मांगे हैं जानते हैं उन्हीं से। सर क्या कुछ है मामला और क्यों आज आप जिलाधिकारी के पास? देखिए, आपने देखो को पिछले दिन उत्तर प्रदेश में शिक्षक विभाग और पशुपालन विभाग में लंबे पैमाने पर घोटाले हुए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ मंत्रियों के प्रतिनिधि उसमें लिप्त, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको बचाने का काम कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारी मांग है कि तत्काल जिस विभाग में घोटाला हुआ है, क्योंकि जब बच्चे परीक्षाएं देते हैं उनको इंतजार होता है कि निष्पक्षता के आधार पर हमारा अपनी काबिलियत के आधार पर हमें नौकरी मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ये घोटाले कराई जा रही है और जो लोग इसमें पात्र नहीं हैं उनको पैसे की धांधली के द्वारा उनको नौकरियां दी जा रही हैं। इसी संदर्भ में आज यहाँ पर इकट्ठे हुए, जिस विभाग में ये घोटाले हुए हैं उन विभाग के मंत्रियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए, जिससे निष्पक्ष जाँच होना हो जाए। और हमारी मांग है कि उनकी गिरफ्तारी की जाए, जो लोग इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इसी संदर्भ में हम महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देने के लिए डीएम साहब के पास आए और अपनी मांग को रखें। कानून व्यवस्था को लेकर के भी सवाल है, घोटालों को भी लेकर सवाल है। यहाँ पर मेरे साथ कांग्रेस के जो नेता है, स्थानीय नेता ब्रह्मस्वरूप सागर जी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि क्या शिकायत है उनकी इस सरकार से और क्या कुछ मांग है। ब्रह्मस्वरूप सागर जी, क्या मांग लेकर के आप आ जाए हैं? आपने कानून व्यवस्था को लेकर के भी सवाल उठाए, आपने जो अभी एक बच्चे के साथ रेप हुआ है उसको लेकर के भी अपना उठाए, क्या कहना है? देखिए, कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल है और कांग्रेस पार्टी लगातार ये मुद्दे उठाती आई है। कानून व्यवस्था की बात हो, घोटालों की बात हो, सरकार किसी भी चीज़ पर उसका ध्यान पीछे है। अभी कोरोना काल में हम लोग आपदा के समय पे लगातार मजदूर सड़कों को भटकता रहा, कांग्रेस पार्टी मदद करने के लिए कहती रही, लेकिन उसके नेताओं पर मुकदमे लादे गए। अगर बरेली की बात हम करें तो अभी एक 8 साल की बच्ची के साथ उसके बलात्कार करके हत्या कर दी गई, ये अलीगंज थाने का प्रकरण है। आज हम उस प्रकरण में पूरी कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ जा भी रहा है, वहाँ वस्तु स्थिति से अवगत भी होगा और उस पर हम लोग आंदोलनरत भी होंगे कि उन्हें न्याय मिले। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है नहीं। जहाँ तक घोटालों की बात है, आज हम ये ज्ञापन भी देने आए हैं, शिक्षक भर्ती में घोटाला, तमाम ऐसे घोटाले हैं, शिक्षक भर्ती तो मजाक बन गई और उस घोटाले को लेकर के हमारी मांग है कि उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश महोदय से ये जांच कराई जाए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो और जो दोषी लोग हैं उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। खासकर उनके खिलाफ तो तत्काल सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। जो मंत्रियों का स्टाफ है जो उसमें लिप्त है उनकी गिरफ्तारी तत्काल होना चाहिए, जो मंत्री लिप्त हैं उन्हें बर्खास्त भी होना चाहिए। इसी को लेकर के आज हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल जी को ज्ञापन देने आए हैं। तो उसमें अपने विपक्ष का साफ कहना है कि जो कई खामियां हैं सरकार चल रही है उसको लेकर के उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, घोटालों का आरोप लगाया, तमाम ऐसी बातें कहीं जिसमें कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की गई। अमृत विचार के लिए मोनिस्तान।